क्या आप सरदार महाजी सिंधिया से मिलने जाएंगे? और कोई रास्ता भी तो नहीं, प्रजा तो भूखों मर ही रही है, अब सेना के भी भूखों मरने की नौबत आ गई है। मैं सुलह करने नहीं जा रहा, समय खरीदने और सौदा करने जा रहा हूं, और यह सौदा सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि सौदेबाजी वो होती है कि लेनदार दरवाजे से चला भी जाए और ज्यादा देना भी ना पड़े। लेकिन आप करेंगे क्या, कहीं ऐसा ना हो कि महाजी फिर आ जाए? कहते हैं बिल्ली ने शेर को सब दांव सिखाए, सिर्फ एक दांव नहीं सिखाया था, और वो दांव मेरे पास है। शेर के पास ताकत होती है लेकिन बिल्ली के पास चालाकी, इसीलिए बिल्ली के एक नहीं पूरे 9 जन्म होते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आइए। बैठिए। आप चौथ लेने नहीं, सजा देने आए हैं। अगर हम कहें कि याद दिलाने आए हैं कि जो फर्ज पूरा नहीं करता वो दोस्त नहीं रहता, और जो दोस्त नहीं रहता वो एक कदम लेता है और दुश्मनी के खाने में जा खड़ा होता है। राजपूताने पर चढ़ाई, ये बात राजपूतों को बताने के लिए की गई है। राणा जी, बात राजपूत जाट या मराठों की नहीं है, उन समझौतों की है जो हम लोगों ने किया था दोस्त बने रहने के लिए। लेकिन पानीपत के बाद पूरे हिंदुस्तान ने उनका पालन करना बंद कर दिया है, क्या यह सच्चाई नहीं? यह हम मानते हैं। तो फिर यह क्यों नहीं मानते कि हम यहां याद दिलाने आए हैं कि पानीपत महज एक इत्तफाक था, पेशवा राज्य का अंत नहीं। आज भी दोस्त बने रह सकते हैं हम, अगर दोस्ती की शर्तें निभाई जाएं कि अमन रखने और अमन से रहने के लिए चौथ यानी मालगुजारी का एक चौथाई हिस्सा दिया जाए। हमें मंजूर है, मगर जो भगवान को मंजूर नहीं वो नहीं जानना चाहेंगे आप? क्या हमारे राज्य में खेती बरखा से होती है और बरखा भगवान के हाथों में है? पहले सूखा और इस बार इतनी बरखा भेज दी कि बाढ़ आ गई। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि आप चौथ कम लें, यानी कि 15 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख लें। नहीं, ये तो बहुत कम हुआ। हम 5 लाख कम कर सकते हैं, आप 10 लाख दे दीजिए। ठीक है, लेकिन इसकी 2 किस्तें कर दीजिए। तो पहली किस्त आपको फौरन अदा करनी पड़ेगी। जरूर, लेकिन आपको रानी साहिबा की एक विनती स्वीकार करनी होगी। आप पहले उनके हाथ का बना भोजन करेंगे, फिर चौथ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, अब आज्ञा दीजिए। महल में जिनकी चलती है उनसे तो आज्ञा ले लीजिए। आइए।
आइए महारानी, महाजी जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। राखी बांधती, पर आप सेनापति हैं, न जाने कब लड़ने चले आए, इसीलिए आपको नहीं आपकी धर्म पत्नी को अपनी धर्म बहन बना रही हूँ। ये सुहागा जोड़ा और सिंदूर है, उसे लगा दीजिएगा और कहिएगा कि मुझे अपनी बहन बना ले और ओढ़नी भेज दे। जी, आपका स्नेह और आपका आदेश दोनों पहुंचा।